ओके स्टूडेंट्स, कल हमने शुरू कर लिया था ट्रांसपोर्टेशन. नाउ आज हम दोबारा से, मतलब कि वी आर गोइंग टू रीड मोर अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्लड? सबको पता है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. फंक्शंस ऑफ ब्लड. ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स. ठीक है, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े स्केल पे, ऑक्सीजन ज्यादा स्केल पे, बट फिर भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड जो है वो हेल्पफुल होता है. ब्लड क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी टिश्यूज से किडनी तक पहुंचाता है. देन ब्लड है जो न्यूट्रिएंट्स को इंटेस्टाइन से टिश्यूज तक पहुंचाता है. न्यूट्रिएंट्स जो इंटेस्टाइन में होते हैं, मतलब कि बेसिकली वही चीजें कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है. द मेन थिंग इज नेक्स्ट वन, दैट इज हार्मोन. हार्मोन की भी ट्रांसपोर्टेशन जो ब्लड है वो कर सकता है. देन डिफेंस मैकेनिज्म. फर्स्ट जो फंक्शन था दैट इज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, की ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म, कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिफेंस के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम द इंफेक्शंस. ब्लड प्लेटलेट्स प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस बाय ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं? एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग करने के बाद. ब्लड मेंटेन्स द वॉटर बैलेंस इन द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. इट ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड क्या करता है बेसिकली? ब्लड मेंटेन्स द वॉटर बैलेंस, वॉटर का बैलेंस मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड बेसिकली खुद ही टिश्यू होता है, तो वो ऑस्मोलैरिटी ऑफ द टिश्यूज का भी ध्यान रखता है. एंड अपने बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. सर्दियों में हमारा जो ब्लड है वो हमें गर्म रखता है, एंड गर्मियों में हमारा ब्लड हमें ठंडा रखने में हेल्प करता है. इन दिस वे ब्लड हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. नाउ देयर आर कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में हम पढ़ते हैं that blood is made up of plasma and the blood cells. Plasma is a light yellow colored, ये हमने पढ़ा था, and 55% of the total blood volume है जो वो plasma cells रोकती हैं. Blood cells constitute the 45% of the total volume, and हमारे पास three kinds of blood cells हैं. These kinds of blood cells are RBCs, WBCs and platelets. इनका function हम detail दोबारा से पढ़ते हैं. सी, द रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर डिस्क शेप्ड एंड बायकनकेव. सर्कुलर होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, एंड बायकनकेव इन नेचर. दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स. हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी कैविटीज में आरबीसीज हैं जो वो प्रोड्यूस होते हैं. ऑन द अदर हैंड इरेग्युलर होते हैं WBCs, कलरलेस होते हैं, बड़े होते हैं देन RBCs, एंड लोब्ड न्यूक्लियस होता है, उनके पास न्यूक्लियस होता है. RBCs के बाद कोई RBCs के पास ह्यूमन बींग्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है. प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं. ठीक है, WBCs भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं. बोन मैरो के साथ साथ लिम्फ ग्लैंड एंड स्प्लीन में भी प्रोड्यूस होते हैं. प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में फॉर्म होते हैं. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज 120 डेज. WBCs का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 7 डेज, एंड प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन है दैट ऑल्सो डिपेंड्स, फ्यू वीक्स टू मे बी 1 मंथ. RBCs are made up of iron containing respiratory pigment called hemoglobin, and hemoglobin ही वो pigment है जिसकी वजह से RBCs red है. Hemoglobin ही वो pigment है जिसकी वजह से हमारी oxygen transport हो पाती है. Now हम पढ़ते हैं heart के बारे में.
हार्ट के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, इसकी लोकेशन, लोकेशन इज ऑन द लेफ्ट साइड, कई लोगों में वो राइट साइड पे होती है, दैट इज 99.1%, ओनली 1% ऑफ द पीपल हैव द हार्ट लोकेटेड इन द राइट साइड. साइज होता है फिस्ट जितना, मुट्ठी के जितना साइज होता है हार्ट का. कवरिंग, पेरिकार्डियम से हार्ट होता है कवर्ड होता है, एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड से सराउंडेड होता है. पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, शॉक्स से प्रिवेंशन देता है. द पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट एंड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज. जैसे कि कोई जंप कर रहा है, ठीक है, या कोई गिर गया, तो तब अगर ये हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड नहीं होगा तो हार्ट को नुकसान हो सकता है, बट पेरिकार्डियल फ्लूइड है मतलब हार्ट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है. इंटरनली द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर्स, दैट इज लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. ये मैंने आपको बताया था द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. ऊपर वाले तो जो चैम्बर्स होते हैं दे आर द आर्ट्रियम, नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं दे आर द वेंट्रिकल्स. लेफ्ट वाली साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड हार्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड राइट वाली साइड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. अब हमने पढ़ी है सुपीरियर वेना क्या है, वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है. इंफीरियर वेना क्या है, वो सुपीरियर वेना क्या है, वो ऊपर वाले पार्ट से लेके आती है. इंफीरियर वेना क्या है, नीचे वाले पार्ट से लेके आती है. फिर वो मर्ज करके एक ही वेना क्या है, एक ही वेन फॉर्म कर लेते हैं. बेसिकली जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट पे कलेक्ट कर देती है. आर्ट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स को चला जाता है, वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी को, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है ऑल द ऑर्गन्स थ्रू द आयोटा. फोर पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम. पल्मोनरी वेन्स है, दे आर फोर इन नंबर्स, एंड ये क्या करती है, ये लेफ्ट साइड को ब्लड ले आती है आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल में, एंड वेंट्रिकल से आयोटा में सेंड हो जाता है, आयोटा से वो पूरी बॉडी को सेंड हो जाता है. हार्ट वाल्व्स, ट्राइकस्पिड वाल्व्स, वो वाला वाल्व है जो राइट आर्ट्रियम, बेसिकली राइट साइड पे आर्ट्रियम के बीच में, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल एवी, एवी वाल्व, राइट एवी वाल्व है उसका नाम है ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एवी वाल्व का नाम है बाइकस्पिड और मिट्रियल वाल्व. द ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू आयोटा is guarded by semilunar walls. Left ventricular, okay. Left or right ventricle, दोनों के पास और walls होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, semilunar walls. Double circulation के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि एक ही blood first blood heart में आके lungs में जाता है, फिर lungs से वापस आके heart में आके फिर organs में जाता है. तो एक ही ब्लड क्या कर रहा है, बार बार एक ही ब्लड जो है वो दो बार हार्ट से गुजर जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन. ठीक है, नाउ द पल्मोनरी सर्कुलेशन पर्टेन्स टू द लंग. द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी पार्ट से जाता है थ्रू द आयोटा. ठीक है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर विच ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स के ऊपर ब्लड जितना प्रेशर लगा रहा है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर. ठीक है, जो ब्लड प्रेशर होता है बेसिकली दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली आयोटा में एंड लंग्स में ब्लड जा रहा है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, उसका प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल होता है, दैट प्रेशर इज लेस इन कंपैरिजन टू सिस्टोलिक प्रेशर.
नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80 mm of Hg. ब्लड प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू एज एंड द हेल्थ ऑफ द पर्सन. एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो उससे ज्यादा मतलब 140/100 जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द एज एंड हेल्थ ऑफ द पर्सन. कि जैसे डायबिटिक कंडीशन है या अस्थमेटिक कंडीशन है उस कंडीशन में नॉर्मली जो है डेविएटेड ही रहता है बंदे का ब्लड प्रेशर इन कंपेरिजन टू द बिल्कुल हेल्दी पर्सन. स्फिग्मोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन वाइल लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटेंशन. ठीक है. द ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब फ्रॉम विच ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अगेन ब्रॉट बैक टू द हार्ट. ब्लड वेसल्स क्या करती है हार्ट से बॉडी पार्ट तक एंड बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड लेके आती है. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. दीज आर आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरीज. Artery is a blood vessel which carries blood away from the heart. Vein is the vessel which carry blood away from the organ. Artery heart se away leke jati hai and vein organ se away leke jati hai. Capillaries connect the basically arteries and the vein. Arteries ki muscles jo hoti hai wo thick, arteries ki jo walls hoti hai they are thick. In comparison to the vein, they are thin muscular walls and capillaries की walls होती है वो extremely thin होती है. इतनी thin होती है कि plasma इनसे ooze out कर जाता है और lymph form कर लेता है. Arteries की cavity narrow होती है. Veins की cavity broad होती है. Veins के पास walls होते हैं एंड आर्टरीज में लार्जेस्ट आर्टरी जो है उसको एओर्टा बोला जाता है. वेन्स में जो लार्जेस्ट वेन है वो वेना कैवा होती है. इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा. ओके. देन द आर्टरीज ब्रांच टू फॉर्म आर्टेरियोल्स. आर्टेरियोल्स ब्रेक अप इनटू कैपिलरीज. ठीक है. आर्टरीज आर्टेरियोल्स बनाती है. Arterioles capillary बनाती है. Capillary venule बनाती है. Venule further veins बनाती है. इस sequence को मैं लिख देती हूँ. Artery forms the arterioles, then they form the capillaries. Capillaries form the venules, and venules form the veins. ठीक है. ये प्रोसीजर होता है. नाउ कैपिलरी अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिक वेस्ट. कैपिलरीज ही होता है बेसिकली जिसमें से कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन इजीली एंड प्रॉपरली हो सकता है. इसीलिए ये कैपिलरीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. नाउ लिम्फ एंड द लिम्फैटिक सिस्टम. इसके बारे में हमने पढ़ लिया था बट इसके मेन पॉइंट्स हम दोबारा से पढ़ लेते हैं. सम टिश्यू फ्लूइड्स एंटर टाइनी वेसल्स कॉल्ड द लिम्फ कैपिलरीज. लिम्फ कैपिलरीज फिर लिम्फ वेसल्स बनाती हैं. लिम्फ वेसल्स अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्फ नोड्स. ये लिम्फैटिक सिस्टम बनाती है. लिम्फ वेसल्स फॉर्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फॉर्म द डक्ट्स और द ट्यूब्स. The colorless fluid which flows within lymphatic system is called lymph. Now, clotting of blood. Basically, how this clotting of blood is helpful for us. क्योंकि कभी इंजरी लग गई किसी के